देख रहे हैं उज्जवल जम्मू न्यूज और मैं हूं अस्मिता। आइए आज के दिन भर की अपडेट्स पर डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर पुलिस से सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के पूर्व कर्मियों ने प्रदेश सरकार पर उनके साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शनकर्मियों ने उपराज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई है। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों ने शिक्षण संस्थानों में नौकरी में उनके बच्चों के लिए 10% आरक्षण देने की भी मांग उठाई। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों ने कहा कि उन्होंने जब तक नौकरी की पूरी ईमानदारी से देश की सेवा की, लेकिन अब अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इसी बीच परिसीमन आयोग की 7 सदस्य टीम ने मंगलवार को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में श्रीनगर में जन सुनवाई की। आयोग के पास अपनी बात रखने आए पूर्व MLC एवं जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम के मुख्य प्रवक्ता सैयद रफीक शाह ने कहा कि वे अपने लोगों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार तलाशने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि एक समय के बाद परिसीमन किया जाना जरूरी है। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस पर नाराजगी भी जताई है। वहीं सोनमर्ग के शुटकड़ी में भेड़ झोपड़ी में मंगलवार को एक अज्ञात गैर स्थानीय ने कथित तौर पर आत्महत्या करने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। संवाददाता के मुताबिक पुलिस और फॉरेंसिक टीम आगे की जांच के लिए मौके पर पहुंची। इस बीच मेडिको कानूनी औपचारिकताओं के लिए शव को SDH कंगन में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि अभी तक आत्महत्या करने के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है। वहीं फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जम्मू में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द से जल्द वेतन जारी किए जाने की मांग की। एसोसिएशन की अध्यक्ष नीलम कुमारी ने कहा कि पिछले 4 महीने से महिला स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया है, इससे उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व MLC सुरेंद्र चौधरी ने आज अपने समर्थकों संग भाजपा का दामन थाम लिया। जम्मू शहर के त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रभावी तरुण चुग और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने उनका भाजपा में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी से कोई ओहदा नहीं चाहिए, सिर्फ मान सम्मान चाहिए। वहीं जम्मू में स्थित नगरोटा में आज भाजपा द्वारा एक रैली निकाली गई। ये रैली नवरे मिलन के समारोह में निकाली गई। इसमें भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना भी शामिल हुए। इस समारोह के दौरान लोगों ने जमकर भाजपा के समर्थन में नारेबाजी की और रविंदर रैना का स्वागत भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने उनका भाजपा में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी से कोई ओहदा नहीं चाहिए, सिर्फ मान सम्मान चाहिए। वहीं जम्मू में स्थित नगरोटा में आज भाजपा द्वारा एक रैली निकाली गई। ये रैली नवरे मिलन के समारोह में निकाली गई। इसमें भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना भी शामिल हुए। इस समारोह के दौरान लोगों ने जमकर भाजपा के समर्थन में नारेबाजी की और रविंदर रैना का स्वागत आ गया भाई आ गया शेर हमारा आ गया करके की। इसी बीच आप जुड़े रहिए उज्जवल जम्मू न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।